नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार। आज दिनांक 20 जुलाई 2020 को आज आपको सभी जगह का आज का आलू का भाव आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं कानपुर से। कानपुर में जो न्यू हाईलैंड आलू का जो रेट रहा है वो 950 से 1000 रुपए। और वहीं पर हम बात करते हैं सिंदूरी आलू की। जो सिंदूरी का रेट रहा है वो 940 से 990 रुपए। और इसी के साथ मैं बात करूंगा जो एलआर आलू की। जो एलआर आलू का जो रेट रहा है वो 820 से 885 रुपए। और इसी के साथ मैं बात करने जा रहा हूँ लोकर आलू की। जो लोकर आलू होता है उसका जो रेट रहा है 900 से 940 रुपए। अब हम बात करते हैं 3797 की। 3797 जो रहा है वो 800 से 850 रुपए। कानपुर मंडी में 3797 जो आलू रहा है वो 800 से 850 रुपए। अब हम बात करते हैं हाइब्रिड आलू की। जो हाइब्रिड का जो रेट रहा है 800 से 820 रुपए। दोस्तों ये जो आपने रेट सुने हैं ये दोस्तों रेट थे कानपुर मंडी के। कानपुर में जो आलू बिकता है वो 40 केजी के हिसाब से बिकता है प्रति मन। जो मन जो होता है वो 40 केजी का होता है। अब हम बात करते हैं दिल्ली के आज़ादपुर मंडी की। दिल्ली के में जो आज़ादपुर मंडी उसमें जो 3797 का रेट रहा है 3797 का रेट रहा है 1000 से 1080 तक। और हाँ दोस्तों, जो 3797 की जो एक दो लाट थी वो 1100 रुपये में बेची गई थी। अब बात करते हैं सूर्या आलू की। सूर्या आलू का जो रेट रहा है 1200 से 1250 रुपये। अब हम बात करते हैं चंदौसी का। जो चिप्सोना आलू होता है चंदौसी का चिप्सोना आलू का रेट रहा है 1180 से 1230 रुपये। अब हम बात करते हैं डायमंड आलू की। डायमंड आलू का जो रेट रहा है दोस्तों 1080 से 1100 रुपये। ठीक उसके बाद में जो पंजाब का एलआर आलू होता है उसका जो रेट रहा है 1080 से 1100 रुपये। ये जो दोस्तों जो रेट होता है इसका दिल्ली में आज़ादपुर मंडी में 50 केजी का होता है। अब हम दोस्तों बात करते हैं इलाहाबाद से। इलाहाबाद में जो गुल्ला का रेट रहा है वो 2000 से 2100 रुपए रहा है। और वहीं पर इलाहाबाद में हम G4 आलू की बात करते हैं तो जो G4 आलू होता है उसका जो रेट रहा है 2500 से 2600 रुपए तक। 2500 से 2600 रुपए तक रहा G4 आलू का रेट। अब हम दोस्तों बात करते हैं वेस्ट बंगाल की। वेस्ट बंगाल में जो ख्याति आलू होता है जिसे ज्योति भी कहते हैं उसका जो रेट रहा है 1150 से 1200 रुपए। 1150 से 1200 रुपए ख्याति आलू का। ये भी जो दोस्तों जिसका जो ये जो रेट बताया ये भी 50 केजी का था। अब हम दोस्तों बात करते हैं कानपुर में। कानपुर में जो न्यू हाईलैंड आलू का जो रेट रहा है आज 950 से 1000 रुपए। 950 से 1000 रुपए। उसी में मैं बताना चाहूँगा सिंदूरी का जो रेट रहा है वो 940 से 990 रुपए। अब हम बात करते हैं एलआर आलू की। एलआर आलू का जो रेट रहा है 820 से 885। अब हम बताते हैं आपको लोकर आलू का रेट। लोकर जो आलू का रेट रहा है 900 से 940 रुपए। 900 से 940 रुपए। अब बात करते हैं 3797 की। 3797 जो रहा है वो 800 से 850। 800 से 850 रहा है। उसी के साथ मैं बताने जा रहा हूँ हाइब्रिड आलू का जो रेट रहा है। हाइब्रिड आलू का जो रेट रहा है दोस्तों 800 से 820 रुपया। 800 से 820 रुपया रहा है। अब हम बात करते हैं दोस्तों मैनपुरी से। मैनपुरी में जो न्यू हाईलैंड का जो रेट रहा है न्यू हाईलैंड दोस्तों 1180 से 1280 तक रहा है। और वहीं पर मैनपुरी में एलआर आलू का जो रेट रहा है वो 1150 से 1250 तक रहा है एलआर आलू। और वहीं हम बात कर लें चिप्सोना की। चिप्सोना का जो रेट रहा है वो 1150 से 1180 तक। और वहीं हम बात करते हैं 3797 की। 3797 जो रहा है वो 1000 से 1100 रुपये रहा है 3797। ये जो दोस्तों आपने रेट सुने ये 50 से 55 के बीच इसमें वजन होता है पर कट्टा में मैनपुरी में। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं फरकाबाद से। फरकाबाद में जो ख्याति आलू है ख्याति का जो रेट रहा है वह 2050 से 2130 रुपए तक रहा दोस्तों। और वहीं हम बात करते हैं फरकाबाद में फुकराज जो रहा है फुकराज का जो रेट रहा है 2060 से 2160 रुपए।
2060 से 2160 रुपए रहा है फुकरा हजार का रेट। अब हम वहीं पर बात करते हैं चिप्सोना की। चिप्सोना का जो रेट रहा है दोस्तों 2160 से 2280 तक। अब हम बात कर लेते हैं न्यू हॉलैंड की। न्यू हॉलैंड का जो रेट रहा है 2450 से 2600 रुपए तक रहा है न्यू हॉलैंड का, फरकाबाद मंडी का। अब हम बात करते हैं सिंदूरी आलू की। सिंदूरी का जो रेट रहा है 2450, सिंदूरी का जो रेट रहा है 2450 से 2550 तक, 2450 से 2550 तक रहा है सिंदूरी आलू। और हम बताता हूँ आपको 3797 का जो रेट रहा है वो 2100 से 2260 रुपए रहा है। अब चलिए दोस्तों आप आपको बताते हैं कन्नौज, कन्नौज का भाव। कन्नौज में जो सिंदूरी आलू होता है सिंदूरी का जो रेट रहा है 1300 से 1330 रुपए। अब हम बात करते हैं चिप्सोना की। चिप्सोना का जो रेट रहा है वो 1150 से 1201 रुपया। अब हम वही बात कर लेते हैं न्यू हॉलैंड की। न्यू हॉलैंड की, न्यू हॉलैंड का जो रेट रहा है 1300 से 1310 रुपए, मात्र 10 रुपए का एयरफेयर रहा दोस्तों इसमें। अब हम वही बात करते हैं 3797 की। जो 3797 का रेट रहा है 1100 से 1100 रुपये, 1100 से 1100 रुपये रहा है। और हाँ दोस्तों, ये जो कन्नौज का मैंने रेट बताया है, ये जो रेट था ये भाड़ा सहित था, ये जो रेट था भाड़ा सहित था, यानी जो भी व्यापारी लेना चाहें वो भाड़ा सहित पे कर सकते हैं इतना रुपया। और अगर हम अब बात करते हैं आगरा की। आगरा में जो 302 आलू होता है, आगरा में जो 302 आलू होता है उसका जो रेट रहा है 1100 से 1150 रहा है। आगरा में जो 302 का जो रेट रहा है 1100 से 1150। वहीं आगरा में 3797 का जो रेट रहा है वो 950 से 1150। और ये जो रेट रहा है, अब हाँ दोस्तों हम आपको संबल के रेट बता रहे हैं। संबल में जो आज रेट रहे हैं वो हाइब्रिड आलू, हाइब्रिड का जो रेट रहा है 2000 से 2100 रुपये रहा है। और वहीं संबल में 3797 का चिप्सोना जो आलू होता है उसका रेट रहा है 2200 से 2300 रुपये रहा है। और वहीं सूर्या आलू की बात करते हैं, सूर्या जो आलू रहा है 2400 से 2500 रुपये रहा है। संबल, संबल के रेट आपने सुने, ये जो संबल में भी 100 केजी का रेट था। अब हम आपको दोस्तों बता रहे हैं बाराबंकी में। बाराबंकी में जो रेट रहे हैं वो सिंदूरी आलू के जो रेट रहे हैं 2300 से 2400 रुपये। और चिप्सोना का जो रेट रहा है 2200 से 2300 रुपये। और ये जो रेट था ये भी बाराबंकी का रेट 100 केजी का होता है। और अब हम लखनऊ की बात करते हैं, लखनऊ मंडी की। अब हम लखनऊ मंडी की बात करते हैं। लखनऊ मंडी में जो चिप्सोना आलू होता है चिप्सोना का जो रेट रहा है 2200 से 2400 रुपये। लखनऊ में जो रेट रहा है 2200 से 2400 रुपये रहा है। अब हम बात कर लेते हैं आपको, ये आपको बता रहा हूँ मैं बिहार का, बिहार का रेट बता रहा हूँ। बिहार में जो समस्तीपुर जिला है उसका रेट बता रहा हूँ। उसमें जो ज्योति आलू होता है उसका जो रेट रहा है 2350 से 2450 रुपये बिहार में। और अब हम सीतापुर की बात करते हैं। सीतापुर में जो चिप्सोना का जो रेट रहा है 1150 से 1180 रुपये। वहीं हम बात कर लेते हैं पंजाब की। पंजाब में जो दोस्तों रेट रहा है, पंजाब में चिप्सोना का जो रेट रहा है 950 से 1000 तक। और वहीं पर पंजाब में जो एलआर आलू होता है उसका, उसकी मैं बात करूंगा तो 950 से 1050 तक रहा है एलआर आलू। और पंजाब मंडी की मैं बात कर रहा हूँ तो पंजाब मंडी में जो आलू बिका है वो 1100 से 1150 रुपये बिका है। और पंजाब में भी जो आलू का रेट होता है वो 50 केजी का होता है। आपने पंजाब के रेट सुने। अब हम बात करते हैं गुजरात की। गुजरात में जो आलू का रेट रहा है वो 1900 से 2100 रुपये तक। पुखराज आलू, पुखराज का जो गुजरात में रेट रहा है 1900 से 2100 रुपये रहा है। और वहीं पर बादशाह आलू की बात करूँ मैं तो बादशाह आलू 2300 से 2400 रुपये रहा है।
गुजरात में। और हाँ दोस्तों, ये गुजरात में जो ये जो रेड आपने सुने, ये भी 100 kg के थे। सब्सक्राइब करें आपका अपना यूट्यूब चैनल रियल रशीद मंडी बाजार भाव और जाने डेली की अपडेट।